हमारे देश ने उत्सवों को नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देश की जनता को गुमराह करने का काम मीडिया तंत्र बड़ी आसानी से कर देता है। इसी मीडिया ने दो दिन पहले तबला बजाया कि भारत के दबाव में चीनी सेना पीछे लौट गई है। यह ठीक उसी तरह की बकलोली थी जैसी कि पप्पू महाराज अपने ट्विटर पर करते रहे हैं, यानी पप्पू की तरह ही मीडिया भी आम आदमी को फुद्दू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पर अब इसका भांडा पूरी तरह फूट चुका है, जिसके बाद सेना और सरकार पर बलिदान का बदला लेने का दबाव बढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में चीनी सेना के 2 किलोमीटर पीछे हटने की खबर को बड़ी विजय के रूप में प्रचारित किया गया। ऐसा करने का मकसद सरकार द्वारा अपने ऊपर बढ़ते जनता के दबाव को कम करना था, पर लगता यूं है कि यह दबाव कम होने के बावजूद अब ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सेना के पीछे हटने की वजह भारत की कोई आक्रामकता या कूटनीति नहीं है। भारत द्वारा 59 चाइनीज ऐप्स और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट में चीन की नो एंट्री से भी पीएलए पीछे नहीं लौटी है। दरअसल चीनी सैनिकों के पीछे हटने की वजह यहाँ की प्राकृतिक स्थिति और आने वाले दिनों में मौसम के बेहद कठिन होने को माना जा रहा है। इस दुर्गम इलाके में बरसात के मौसम में दोनों ही देशों के सैनिकों के लिए डटे रहना आसान नहीं है। नवंबर में जब बर्फ ज्यादा गिरेगी और तापमान -10 डिग्री तक जाएगा तो हालात कई ज्यादा कठिन होंगे। ऐसे में यहाँ से भारत और चीन ने अपनी सेनाएं पीछे कर ली है। मजे की बात यह है कि इस पर दोनों ही देश सहमत हो गए हैं। अब जो लोग इस बात पर कटी पतंग को लपकने के लिए उछल रहे हैं कि यह सब भारत के दबाव की वजह से हुआ है, उन्हें समझना होगा कि अगर चीन इतने ही दबाव में दब रहा था तो डेपसोंग पेंगोंग जैसी कई जगह जा चीनी सेना न केवल डटी हुई है बल्कि बख्तरबंद गाड़ियों तोपे एंटी टैंक मिसाइल और गोला बारूद का भंडारण कर लिया है। वहां पर भारत का यह दबाव कारगर क्यों नहीं हुआ? बात जब देश की आती है तो कौन मोदी कौन राहुल कौन लालू वाली हो जाती है। देश की सीमाएं खतरे में है, हमारे 20 जवान अपनी जान देकर चले गए हैं। ऐसे में सवाल न उठाए तो हमसे निर्लज भला कौन होगा? सवाल कांग्रेस के साथ भाजपा भी उठने लाजमी है। वामपंथी तो वैसे भी चीनी पिट्ठों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। आज जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की ज्यादा चर्चा हो रही है, उसे सन 1978 में इंडियन आर्मी द्वारा स्थापित किया गया था। यह पोस्ट गलवान नदी घाटी और गलवान नाले के ऊपरी हिस्से पर है। गलवान नाला शोक नदी में मिलता है, जिसके किनारे डीएसबीओ रोड का निर्माण इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट पर आईटीबीपी की पोस्ट मौजूद थी, मगर चीन ने 2 मई के बाद यहां पर अपनी सेना से कब्जा करा लिया। लेकिन सरकार द्वारा यही कहा गया कि भारत की कोई जमीन चीन के कब्जे में नहीं है। पीएलए और इंडियन आर्मी के बीच 16 जून की रात को यहीं पर खूनी झड़प हुई थी। भारत अपनी पोस्ट वापिस चाहता था, जबकि चीनी सेना यहां से हटने को तैयार नहीं थी। अप्रैल 2020 से पहले भारत की पेट्रोलिंग पार्टी पेंगोंग तसो लेक से कुछ दूरी पर फिंगर फोर इलाके में मौजूद हुआ करती थी। भारत फिंगर 1 से 8 तक गश्त करता था, जबकि चीनी सैनिक फिंगर 8 से 5 तक आते और वापस लौट जाते थे। मगर आज चौंकाने वाली स्थिति यह है कि चीनी सेना फिंगर 4 पर बनी आईटीपी की पोस्ट पर मौजूद है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि उन्होंने फिंगर 8 से फिंगर 5 तक सड़क भी बना ली है। भारत के सैनिक फिंगर 4 और 3 के बीच में आ गए हैं, जहां से चीन उन्हें फिंगर 3 पर जाने के लिए कह रहा है। चीन की ताकत यहां इसलिए भी बढ़ गई है कि उसने जो फिंगर 8 से सड़क बनाई है, यहां से वे अपने सैनिकों को मोर्चे पर भारत की तुलना में ज्यादा जल्दी भेज सकता है। बड़ी बात यह है कि लेक के करीबी चीनी मिलिट्री बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी कर रही है, यानी सरकार हम भारतीयों को मेले का झुंझुना थमाकर हिंडोले में बिठा रही है, ताकि झुंझुना भी बजता रहे और इतनी चक्कर गिनी चढ़े कि शुद्ध बुद्ध भी खो बैठे। केवल मीडिया द्वारा यह प्रचारित करा देने से आम देशभक्त संतुष्ट नहीं हो सकते कि गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सैनिक 2 किलोमीटर पीछे लौटे हैं। बात तब समझ में आती अगर इंडियन आर्मी फिर से इस पोस्ट पर अपना कब्जा कर लेती, मगर यहां तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब भारत ये पोस्ट पूरी तरह गंवा चुका है। चीन तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति में रहा है। भारत तो खुद इस पोस्ट को छोड़कर वापस लौट आया है। पर सवाल यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। कोई माने या ना माने, वास्तविकता यही है कि भारत सरकार चीन की घेराबंदी में मीडिया बकलोली से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है।
जो मेरे जैसे कल तक भारत के महाशक्ति होने का दम भरते थे, आज उन्हें धरातल पर ला दिया गया है। या मीडिया में जिस तरह चीन को धूल चटाई जा रही है, वह बेहद ही हास्यास्पद लगती है। यह सेना की कमजोरी नहीं, सरकार की ढुलमुल नीतियों का परिणाम है। सरकार को आज ध्यान आ रहा है कि चीन से मुकाबले के लिए उसे किन हथियारों की जरूरत है। अटल सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी चीन को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कहा था, मगर यह पाकिस्तान से अपनी तुलना करके 15 अगस्त को गुब्बारे उड़ाते रहे, एक बार भी चीन के लिए मुंह से बोल नहीं फूटा। फूट तो आज भी नहीं रहा है। अब मुझ जैसा आदमी आपके दिल की बात बोल देता है तो वह देश की बजाय दल की बात लगने लगती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।